हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स पार्ट टू। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड आल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो रिलीज हो, अगला पार्ट रिलीज होते ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। पार्ट वन में हमने देखा था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स क्या होते हैं और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म, कौन से ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए। इन कंटिन्यूएशन विद दैट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू। अब पार्ट टू में ये जो आप देख रहे हो आप ग्रीन, ये एक शेप है किसकी, लीवर को दिखाने की कोशिश की है। तो जो हमने पार्ट वन छोड़ा था, हमने देखा था देर आर टू टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स और दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। नाम से पता लग रहा है जो माइक्रोसोम से मिलते हैं वो होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, जो माइक्रोसोम से नहीं मिलते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो कहां होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड आर अटैच टू माइटोकॉन्ड्रिया। हम इन एंजाइम्स की डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वाला पार्ट इनसे कम बनता है। हमारा मेन काम है मेटाबॉलिज्म या रिएक्शन कैसे होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाता है क्या? हमने पढ़ा था बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि जो आप ड्रग ले रहे हो वो ड्रग लिपोफिलिक है, उस लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक बनाना जरूरी है क्योंकि हाइड्रोफिलिक और पोलर चीज ही बॉडी से निकलेगी, क्योंकि तभी वो घुलेगी यूरिन के अंदर और यूरिन तो पानी ही होता है। तो दो तरह की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, कैसे लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में बनी, दीज आर टू रिएक्शंस, या फिर हम कह सकते हैं जो पाथवे है, पाथवे दो स्टेप्स का होता है, एक होता है फेज वन रिएक्शन और एक होता है फेज टू रिएक्शन। ओवरऑल वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फेज वन रिएक्शन एंड फेज टू रिएक्शन। अब पहले देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज वन रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेज वन रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। फेज वन रिएक्शन प्रिसीड फेज टू, नाम से पता लग रहा है ये वो रिएक्शन है जो फेज टू से पहले आती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फेज वन रिएक्शन। दीज आर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। फेज वन के अंदर तीन ही रिएक्शन होती है, या तो जो ड्रग है उसका ऑक्सीडेशन होगा, या रिडक्शन होगा, या हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये तीनों चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप केमिस्ट्री और बाकी चीज पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं, रिडक्शन का और हाइड्रोलिसिस का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन इन्वॉल्व इन फेज वन, क्वेश्चन पूछा गया है, आप आंसर दे सकते हो। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेज वन रिएक्शन, मास्किंग और अनमास्किंग ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप। अब सर आपने क्या बता दिया भैया, हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन से में करते क्या है, जो आपकी ड्रग है, जो ड्रग क्या थी, लिपोफिलिक थी, और लिपोफिलिक को आप क्या बनाना चाहते हो, हाइड्रोफिलिक बनाना चाहते हो। तो होना क्या पड़ेगा, पहले फेज वन रिएक्शन होगी और फेज टू रिएक्शन होगी। हर ड्रग एक केमिकल मोआइटी है, और अगर केमिकल मोआइटी है तो उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी होगा, जैसे हाइड्रोक्सिल होगा, कार्बोक्सिल होगा, एमिनो होगा, और भी कोई ग्रुप होगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि इट प्रिसीड्स फेज वन, फेज वन की बात हो रही है। तो इस ड्रग को अगर फेज टू में आना है तो फेज टू आने के लिए इसको तैयार तो करके दो भैया, तो फैक्ट्री में माल बनने जैसा है। पहले क्या होगा, कोई एक चीज बनेगी और उसके बाद दूसरी चीज उस पर जोड़ी जाएगी और फिर उसके बाद चीज बाहर निकलती है। भैया कार के ऊपर की बॉडी तो बन गई लेकिन टायर भी तो जोड़ने जरूरी है, तभी तो कार बनेगी। इसी तरह फेज वन में क्या होता है कि ये जो ग्रुप है, या तो ग्रुप
हटा दिया जाएगा या ग्रुप लगा दिया जाएगा, किसके अंदर, उस ड्रग के अंदर जो लिपोफिलिक थी, ताकि वो फेज टू में एंटर हो जाए। एंटर होने का मतलब फेज टू के अंदर वो काम आ सके। इसलिए दिस फेज वन रिएक्शन इज ऑल्सो टर्न एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की मास्किंग और अनमास्किंग होती है। दिस वॉज अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं चौथी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है फेज टू की, फेज वन की, सॉरी। इट इज असिंथेटिक, कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। एंड इट इज अपोजिट टू फेज टू। इसका मतलब फेज टू के अंदर सिंथेसिस कुछ होता है, किसी भी चीज का, नई चीज का निर्माण होता है। यहां पर तो किसी भी नई चीज का निर्माण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि या तो कोई फंक्शन ग्रुप था या तो हट गया या फिर वो छुट गया। सिर्फ मकसद क्या है कि वो फेज टू में एंटर हो जाए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेज वन, प्रोडक्ट ऑफ फेज वन बिकम्स टारगेट फॉर फेज टू। जो भी फेज वन का प्रोडक्ट होगा वन रिएक्शन का, वो क्या होगा, टारगेट हो जाएगा किसके लिए, फेज टू। तो इट मींस फेज टू रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, जब तक फेज वन से चीज एंटर नहीं होगी, तैयार नहीं होगी, फेज टू रिएक्शन काम ही नहीं कर सकती है। क्यों नहीं काम कर सकती है? क्योंकि यहां पर कोई ना कोई चीज उसके लिए तैयार है। थोड़ा और हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। सपोज ये ड्रग थी, इधर वाला है आपका फेज वन, इधर वाला है आपका फेज टू। ये ड्रग यहां आती है और यहां पर आने के बाद कोई नई चीज जुड़ जाती है इस पर, और नई चीज सपोज सी है। जैसे ही डी और सी मिलती है ना, तो ये क्या होती है, ये हाइड्रोफिलिक हो जाती है। लेकिन ये ड्रग क्या थी, ये ड्रग लिपोफिलिक थी। तो सी चीज क्या है, ये सी चीज डी से जब ही जुड़ेगी जब यहां पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जिससे वो अटैच हो चुके। तो नई चीज का निर्माण हो रहा है, नई चीज का निर्माण मतलब सिंथेसिस हो रहा है। इसीलिए तो लिखा है इट इज अपोजिट टू फेज टू, देयरफॉर फेज टू रिएक्शन आर टर्म्ड एज सिंथेटिक रिएक्शंस। तो हम देखते हैं एक बार फटाफट कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है फेज वन की जिनमें से क्वेश्चन आता है। पहले होती है फेज टू से, ये तीन तरह की रिएक्शन होती है। किसी भी ग्रुप की मास्किंग अनमास्किंग होगी इसलिए इनको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये असिंथेटिक है और इसका प्रोडक्ट इसमें काम आएगा फेज टू में। सो दिस वाज द स्टडी ऑफ फेज वन रिएक्शन। अब देखते हैं फेज टू रिएक्शन। फेज टू रिएक्शन में ये जो डी है, डी का मतलब ड्रग, या प्रोडक्ट ऑफ फेज वन, डी या प्रोडक्ट ऑफ फेज वन, इसके अंदर कोई भी एक एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल होगा। एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल का मतलब जो आपकी बॉडी द्वारा बनाया जाएगा। अब सर एग्जांपल क्या है, कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे ग्लूटाथियन हो गया, वो इस लीवर के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे ही ड्रग फेज वन से आई, कोई भी एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, प्रोडक्ट वन से क्या करेगा, कोवेलेंट बाइंडिंग करेगा। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ फेज वन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल। और उसकी वजह से क्या है, जैसे ही ये सी या एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल ड्रग से जुड़ जाएगा, तो ड्रग विल बिकम हाईली वाटर सॉल्युबल, एंड बिकॉज इट इज हाईली वाटर सॉल्युबल एंड पोलर ऑल्सो, इट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन और बाइल। तो ये है पहली खासियत इसकी फेज टू की। बात करें, दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या कॉन्जुगेट होना। तो जुड़ तो है इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ फेज वन और एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल। ड्रग एक नई चीज बन गई, मतलब नई चीज का निर्माण हो रहा है। कैसे, जैसे ये डी था, ये सी था, एक नई चीज बनी जो वाटर सॉल्युबल है, एंड देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो टर्म्ड एज सिंथेटिक रिएक्शंस। अगर फेज वन और फेज टू की बात करें, तो फेज वन के अंदर तो सिर्फ यही होता है कि उसको फेज टू के लिए तैयार कर दिया जाए ड्रग को। लेकिन हकीकत में उस ड्रग को बाहर कौन निकाल रहा है, फेज टू। देयरफॉर फेज टू रिएक्शंस आर ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस। तो एक और क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू।
Which of the following is the difference between phase 1 and phase 2 reaction? इसका एग्जाम्पल आपके सामने है और आप आंसर इजीली इसका दे सकते हो. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फेज 1 रिएक्शंस. और फेज 1 रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन, प्रोडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. सो लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लेट अस सी वन बाय वन. दीज आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस. सबसे ज्यादा होने वाली रिएक्शंस हैं कारण ऑक्सीजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन हर टिश्यूज को चाहिए, तो उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं चांसेस भी ज्यादा है. दूसरी खासियत, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स अंडरगो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. सारी ड्रग्स को इसके थ्रू गुजरना ही पड़ता है, अपवाद अलग अलग है. इसमें होता क्या है? अटैचमेंट ऑफ पोलर ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जो ड्रग है आपकी, उस ड्रग में क्या होगा, कोई भी पोलर ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो जुड़ जाएगा किससे, ड्रग से, तो क्या हो जाएगा ड्रग आपका, इट विल बिकम अ पोलर मेटाबोलाइट. पोलर तो है क्योंकि ग्रुप आ गया, लेकिन इतना पोलर नहीं कि वो यूरिन में सॉल्युबल हो जाए या फिर वो वाटर सॉल्युबल हो जाए या ड्रग पूरी तरह हाइड्रोफिलिक हो जाए ताकि वो एक्सिट हो सके. नहीं, ये तो पोलरिटी सिर्फ इसलिए ताकि जो अपन ने पढ़ा था फेज टू के अंदर एक एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल है वो आकर इस पर जुड़ेगा, सिर्फ इतनी ही पोलरिटी है. अब क्या होता है और इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर, बात करते हैं एंजाइम्स की, मतलब अगली कैरेक्टरिस्टिक. जो एंजाइम इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन के अंदर, दीज आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स टू एक्ट दे रिक्वायर ऑक्सीजन एंड NADPH, निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, आप जानते हो. तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की और इसकी, अगर ऑक्सीडेशन होना है तो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब यही तो होता है ऑक्सीजन ग्रुप का जुड़ना. तो ऑक्सीजन ग्रुप कब जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी, लेकिन साथ में इसका भी रोल होता है. अब चूंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है जिस ड्रग का आप कर रहे हो, तो हम जानते हैं जब ऑक्सीडेशन होता है तो साथ साथ रिडक्शन भी होता है. इसलिए जो एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन विच ट्रांसफर ऑक्सीजन, दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज मिस फंक्शन ऑक्सीडेसेस, मिस फंक्शन ऑक्सीडेसेस. ओवरऑल अगर हम स्कीम देखें तो कैसा होता है, देखिए ये है आपकी ड्रग, RH इज द ड्रग, ऑक्सीजन है यहां पर, NADPH है क्योंकि यही तो बताया गया था रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड NADPH, तो ऑक्सीजन भी है NADPH भी है और साथ में H प्लस की प्रेजेंस में, या इस तरीके से ये जो आपका RH है, इस RH इज कन्वर्टेड इनटू OH. तो यही तो था ना अटैचमेंट ऑफ पोलर ग्रुप, तो अटैचमेंट ऑफ पोलर ग्रुप हो गया. लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो साथ में वाटर भी निकल जाता है और ये जो NADPH था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP. सो दिस इज द बेसिक स्कीम ऑफ ऑक्सीडेशन. फेज वन रिएक्शन की बात हो रही है. अब यहां पर आप देखिए, ओनली वन ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर एंड बिकॉज ओनली वन ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज मोनोऑक्सीजिनेसिस. मोनो का मतलब होता है वन और एक ही ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोऑक्सीजिनेसिस. अब देखते हैं ये होता कैसे है. दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल्स, ER में होता है. अब कैसे होता है, ये तो एक सिस्टम है जिसके मेन तीन पार्ट है, मतलब तीन कॉम्पोनेंट होते हैं इस ऑक्सीडेशन सिस्टम के. कौन कौन से? थ्री कॉम्पोनेंट्स. एक तो होता है साइटोक्रोम P450 और ये एक तरह का प्रोटीन है, इट इज अ हीम प्रोटीन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन फेज वन रिएक्शन, आप आंसर दे सकते हो अगर क्वेश्चन आ गया तो. तो पहला तो है आपके सामने ये वाला. अब ये साइटोक्रोम P450 क्या एक ही एंजाइम है क्या? नहीं, इट इज अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स विच कन्वर्ट्स RH, मतलब ड्रग, दिस कन्वर्ट्स RH टू ROH बाय ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन. ये जो ऑक्सीजन थी आपकी और इस ऑक्सीजन को यहां पर ले आए तो ट्रांसफर हुआ है, तो ये मेन काम कौन कर रहा है, साइटोक्रोम P450.
पहला कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो ये होता है साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, और ये क्या है, इट इज अ फ्लेवो प्रोटीन। इसका काम क्या है, इसका तो काम क्या था, ऑक्सीजन यहां से, इसका काम है इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन ले जाने का काम करता है, एंड इट कन्वर्ट्स साइटोक्रोम P450 टू फेरस आयंस बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये क्या करता है, इसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो सर फेरिक फॉर्म भी होती है क्या, आपने तो बताई नहीं, अभी डायग्राम से वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग, ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। तीसरा कंपोनेंट है, इसे बोलते हैं फॉस्फोटिडिल कोलीन। अगेन इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADPH टू साइटोक्रोम P450, यहां से साइटोक्रोम P450। तो अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं कि साइटोक्रोम P450 इट इज नॉट अ वन एंजाइम, इट इज अ फैमिली ऑफ एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मेटाबॉलिज्म। इन तीन के अलावा एक चीज की और जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयन्स। अगर ये नहीं होंगे तो रिएक्शन बहुत कम होंगी या ना के बराबर होगी। तो ये तीन अगर आपको याद है तो आप आराम से साइकिल बना सकते हैं, और इनका रिएक्शन कैसे होता है वो भी हम समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे साइकिल, उससे आपको साफ समझ आ जाएगा कि कैसे यहां पर ऑक्सीजन जुड़ी और कैसे हाइड्रोजन ग्रुप आया, कैसे NADPH और NADP का रोल आया, और कैसे साइटोक्रोम P450 अपना काम करता है। उसके लिए प्लीज बी इन टच, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, क्योंकि ये चीज हम देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन Part 3 के अंदर। सो प्लीज बी इन टच, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, योर कमेंट्स आर एनर्जी एंड मोटिवेट्स मी टू प्रिपेयर मोर वीडियोस। थैंक यू, मीट यू सून।